कमल पे बटन दबाया गया और किसी विपक्षी निशान पे वोट पड़ा। हाँ, हाथ पर पड़ा। आज तक मैंने नहीं सुनी कभी को कभी देखो। छठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, इसी के साथ लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 4 जून को नतीजों की घोषणा होगी, लेकिन इससे पहले राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर किसी के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव में अपना आखिरी आकलन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने कहा, आमतौर पर लोगों में अनमनापन दिखता है। मतदाताओं में सत्ताधारी दल के खिलाफ कोई जाहिर नाराजगी तो नहीं है, लेकिन उसे फिर से चुनने के लिए किसी तरह का जोश भी दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ और अपने पक्ष में कोई राजनीतिक लहर पैदा कर पाने में असमर्थ लग रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इस बार पहली बार वोट डालने के लिए सारे देश में औसतन 38% नए मतदाताओं ने ही पंजीकरण करवाया है। 18 वर्ष पूरे हो चुके 62% युवकों में वोट डालने की ललक ही नहीं है। मौजूदा हालात इशारा करते हैं कि रोजगार देने और महंगाई घटाने में अर्थव्यवस्था की अक्षमता से पैदा होने वाले क्षोभ अभी तक तीखे राजनीतिक गुस्से में नहीं बदल पाया है। विपक्ष की कमजोरी ने भी इसमें हाथ बटाया है। वहीं सोशल मीडिया पर अभय दुबे का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ईवीएम, बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सुनते होंगे कि किसी ने दूसरों को वोट किया और वोट बीजेपी को मिल गया, फिर जब विवाद होता है जांच की जाती है, सफाई आती है और अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन आप ये कभी नहीं सुनते होंगे कि वोट कमल को किया और किसी विपक्षी निशान को वोट पड़ा। ईवीएम में जब भी गड़बड़ी होती है तो इसका फायदा सीधा बीजेपी को ही क्यों होता है? कमल पे बटन दबाया गया और किसी विपक्षी निशान पे वोट पड़ा। हाँ, हाथ पर पड़ा। आज तक मैंने नहीं सुनी कभी कोई खबर। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, जो कि एक चर्चित अर्थशास्त्री भी हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 220 नहीं पार कर पाएगी, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। वहीं योगेंद्र यादव ने बताया कि इस बार बीजेपी 240 से 260 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि भाजपा के सहयोगी दलों को चुनाव में 35 से 40 सीटें मिल सकते हैं। कांग्रेस को लेकर योगेंद्र यादव ने इस वीडियो में दावा किया कि चुनावों में कांग्रेस 85 से 100 के बीच सीट जीत सकती है, जबकि गठबंधन के अन्य दल 120 से 135 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। योगेंद्र यादव ने कहा, बीजेपी 300 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। इस बार बीजेपी 272 सीटों से भी नीचे आ सकती है। इसके अलावा बीजेपी 250 से भी कम सीट पर सिमट सकती है। बीजेपी का इस बार 400 पार का नारा हवा हवाई साबित हुआ। इस चुनाव में बीजेपी 300 सीट भी नहीं जीत रही। इंडिया गठबंधन को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को 205 से लेकर 235 सीट मिल सकती है।